हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत कर रहा हूं। और व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या सर पर आ रहे हैं एग्जाम, 20 दिन बचे हैं, अब आगे क्या करना है सर? बहुत सारे चैप्टर छूट रहे हैं, तैयारी नहीं हो रही है, उन चैप्टर को मैं कैसे तैयार करूं? मेरी बात सुनिए, थोड़े से ठंडे रहिए, ठीक है? ये 20 दिन हलचल वाले नहीं होने चाहिए, आपका दिमाग रिलैक्स रहना चाहिए। एक फिक्स स्ट्रेटेजी बनाइए और उस स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहिए, यह बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जरूरी यह भी है कि आपके जो चैप्टर तैयार हो गए हैं, अगर कोई बच्चा अच्छे से एवरेज भी पढ़ा है तो उसके 40 से 50 चैप्टर के बीच में तैयार हो गए होंगे, तो उन्हीं चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है, बार बार उनको रिवाइज करना है, उनके क्वेश्चन लगाने हैं। कहां से क्वेश्चन लगाने हैं? प्रीवियस ईयर से लगाने हैं। प्रीवियस ईयर हो गया, आप कहां से लगाने हैं? मॉक टेस्ट देना है, दैट्स इट, और किसी से कुछ नहीं करना आप, ठीक है? मैं पहली बात बोल दूं, मॉक टेस्ट डेली देना है। अब मॉक टेस्ट, ये 20 दिन बचे हैं, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है? बिल्कुल मत रुकिए, और हर मॉक टेस्ट में फोकस कीजिए कि अगर आपके किसी के 40, किसी के 45, किसी के 50, किसी के 60, जितने चैप्टर आपके तैयार हैं उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन उठाने हैं। स्टक हो जाइए, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट आपको कॉन्फिडेंस देके जाएगा या फिर आपको डीमोटिवेट करके जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको चीजों में तब आता है जो काम आप करते हैं और वो बेहतर तरीके से होता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन में तुक्के मार दिए और आपके मार्क्स, वो तुक्का चल गया, आप अंदर से जानते हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं देखे जाता। बजाय इसके आपने दो क्वेश्चन कम किए हैं लेकिन वो सारे सही हैं। आपके जितने चैप्टर तैयार थे, तुम्हारे 40 चैप्टर तैयार थे, तुमने 40 क्वेश्चन किए या 42 क्वेश्चन किए, 42 क्वेश्चन आपके बने, और 42 के 42 बाहर एग्जाम देके आप बाहर आए, आपको पता है कि एक भी गलत नहीं है। बहुत प्रैक्टिस की मैंने 20 दिन में 20 से 40, अगर आप सुबह शाम भी मॉक टेस्ट देना चाहें वो भी कर सकते हैं, एनालिसिस ही करनी है आप और कुछ नहीं, और बहुत कुछ काम है, ठीक है? उसमें बहुत कुछ करना है। तो ये कहे कि नहीं सर, सर दो, एक दो चैप्टर और बचे हैं मेरे, मैंने जो काउंटिंग में किया था उसमें दो चैप्टर बाकी हैं और उनका काफी कुछ हो गया, बस पॉलिश बाकी है, तो मैं कहूंगा हाँ, एक दो चैप्टर अगर आपके बाकी हैं तो उन्हें कवर कर सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है सर 4-5 चैप्टर हैं, बस पॉलिश बाकी है, तो मैं कह रहा हूं आप खुद को पागल बना रहे हैं, खुद को अवॉइड करें इस सब लालच से, साइड में रखें, वरना जो आपने किए हैं वो भी बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है? सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, सारे चैप्टर लिख लीजिए कि अब इस एग्जाम के लिए बस यही चैप्टर है। पहली बात, एक दो चैप्टर आगे पीछे आप कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन लगाएं। अगर कोई बच्चा कहे कि प्रीवियस ईयर में कॉन्फिडेंस नहीं आया तो क्या करें, तो मैं आपको बता दूं 2018, 2019, 2020, 2021 अगर कोई भी बच्चा इन 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के लगा रहा है, इज मोर देन सफिशियंट, सारे के सारे कंसेप्ट उसमें कवर हो जाते हैं। अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट में आपको वही 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 क्वेश्चन लगाने हैं जो चैप्टर आपके तैयार हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें ये देखिए, और वही क्वेश्चन आपने किया है जो आपके चैप्टर तैयार हैं, फिर भी वो गलत हुआ है तो एनालिसिस कीजिए, बैठ के एनालिसिस कीजिए कि 5 क्वेश्चन गलत हो गए, क्यों हो गए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या कोई लॉजिक था हम पकड़ नहीं पाए, या हमने उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया कि यार ये टाइम बहुत ले रहा है, इसे छोड़ दो। तो धीरे धीरे अगर आप लगातार आपने स्टक कर लिया कि बस यही चैप्टर है और इन्हीं में फोकस करके आगे बढ़ना है, ठीक है, तो क्या होगा, आप बहुत सारी चीजें और सीखेंगे जो एग्जाम में सीखने को होती है, जब पेपर करते हैं तब सीखने को होती है। पहला, अपना माइंडसेट, आप घबरा रहे हैं तो खुद को कूल रखेंगे कि नहीं यार घबराना नहीं है, वही चैप्टर के क्वेश्चन लगाने हैं। किसी चैप्टर में आप लेंथी चला गया, टाइम ज्यादा खा गया, तो आपको खुद को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब तब आएगा जब आप पुरानी चीजों से निकलेंगे। मैंने लिखा है व्हाट इज नेक्स्ट, जब तक आप पुरानी चीजें छोड़ेंगे नहीं, आप आगे की चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो पुरानी चीजें फिक्स कर ली हैं कि ये चैप्टर बस इनको, और इनमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर लगाने हैं और मॉक टेस्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। मेरी बात समझ गए? अब जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, माइनस मार्किंग है उसको एनालिसिस करें, क्यों हो रही है माइनस मार्किंग उससे, और उस कंसेप्ट को क्लियर करें, अगर वो कंसेप्चुअल है तो उसे क्लियर करें, आप टेलीग्राम ग्रुप पे डालें, कैसे भी करके उसको सॉल्यूशन पूछें, कैसे भी करके उसे निकालें सॉल्यूशन, ठीक है?
क्योंकि हम प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, उससे मिलता जुलता कंसेप्ट कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आया ही होगा, चार साल के अंदर आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही है, उसे क्लियर करें और अगला मॉक टेस्ट दें तो और फोकस से दें कि कहीं भी माइनस मार्किंग मेरी ना हो, ठीक है, जितने चैप्टर हैं उतने हो। कहीं भी घबराहट हो रही है, खुद को संभालना सीखें कि हाँ भाई अभी कितना टाइम बचा है मेरे पास, 1 आवर और बाकी है, ठीक है, कितने क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन, खुद को समझाएं कि हो जाएंगे, चिंता मत कर, हो जाएंगे, ठीक है। आप ये भी सीखें कि कौन सा चैप्टर आपको इजी पड़ता है, कौन सा चैप्टर जल्दी हो जाता है। जनरली जिनका केमिस्ट्री अच्छा होता है वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो पहले जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको उठाएं, ठीक है, देन सेकेंड देन थर्ड, और इसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में पहले से कर लें। कई बार आप जिसे स्ट्रॉन्ग समझ रहे होते हैं वो लेंदी चला जाता है और जिसे आप एवरेज समझ रहे होते हैं उसमें समय कम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि केमिस्ट्री कई लोगों का खराब है लेकिन उन्हें यह पता है कि हाँ भाई ये चैप्टर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पहले उन्हें कीजिए। किसी का फिजिक्स है या किसी का मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने सोचा है कि सर बाकी मैं इन दो सब्जेक्ट से पूरा कर लूंगा और इनसे बस ये 8 क्वेश्चन, 8 चैप्टर है या 10 चैप्टर है या 12 चैप्टर है, बस यही करने हैं और तैयारी नहीं हो पाई, तो उन 10 से 12 क्वेश्चन को पहले कीजिए जिससे कि बाकी सारा समय इन दो सब्जेक्ट के लिए इसमें फोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है, साला रुकेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, मेरी पूरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, सब अच्छा रहेगा, ठीक है, हम लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे लगातार, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट जरूर करें, ठीक है, हम लोग जरूर, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।